First, consider the following statements about the sound passing through a gas. A gas जो है, a sound जो है gas में से pass कर रही है. दो statement दी हुई हैं, A और B. The pressure of the gas at a point oscillates in time. किसी particular location पे जो pressure है, वो क्या होता है? Change होता रहता है time के अनुसार. दूसरा कहता है, position of a small layers of the gas oscillates in time. जो medium gas के जो particles हैं, उस particular point पे वो क्या करते हैं? वो भी ओसिलेट करते हैं. तो जो पार्टिकल ओसिलेट करते हैं उसकी वेव, उसकी वजह से जो वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव, यानी वेव को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है. तो उसको हम बोलेंगे, यदि पार्टिकल की पोजीशन के अनुसार हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वेव को, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव. और प्रेशर के अनुसार, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, उसके अनुसार वेव को डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलेंगे प्रेशर वेव्स. प्रेशर वेव्स जो होती है डिफर्स इन फेज बाय पाई बाय टू. पाई बाय टू का हमें वेरिएशन होता है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट वेव. इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर वेव्स है, जहाँ पे उसका मैक्सिमा होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहाँ पे क्या, प्रेशर मैक्सिमा है. और जहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा है, पार्टिकल जो है मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल लेवल पे होगा. यानी ये बता रहा है प्रेशर मैक्सिमम का मतलब है जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे ऊपर वो नॉर्मल लेवल है या उससे नीचे. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो प्रेशर मैक्सिमम होगा वास्तव में. तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे दीजिए प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम. जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे ऊपर चला गया, इतना प्रेशर वेरिएशन हो गया. एग्जैक्ट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर वेरिएशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड. प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर वेव्स का एम्पलीट्यूड एंड वाइस वर्सा. यानी प्रेशर भी चेंज होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वेव्स, साउंड वेव्स मूव करती है, और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी चेंज होती है. तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, करेक्ट है. आपको ये वाला पॉइंट्स भी याद रखना है. नंबर सेकंड, when we clap our hands, जब हम ताली बजाते हैं, the sound produced is best described by. तो वो स्टेशनरी, ये तो किसकी इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन है. सोर्स तो एक ही है, दो सोर्स होनी चाहिए. स्टेशनरी वेव्स तभी बनेगी, दो वेव्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, एक इधर जा रही है दूसरी उधर से आ रही हो. वो रिफ्लेक्शन से भी आ सकती है, कोई दूसरा सोर्स उसको प्रोड्यूस कर सकता है. दो सोर्स चाहिए, टू सोर्सेस साउंडिंग वेव इन अपोजिट डायरेक्शन. टू सोर्सेस प्रोड्यूस वेव इन अपोजिट डायरेक्शन. हियर ओनली वन सोर्स. तो ये दोनों तो चॉइस हो ही नहीं सकती. अब हम क्लैप करते हैं, तो क्लैप करते वक्त जो प्रेस, जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हर बार चेंज होगी. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, हर बार चेंज होगी. हम तेजी से बजा सकते हैं, तेजी से बजाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, किसी 1, 2, 3 उसमें बहुत सारे हारमोन्स होते हैं, बहुत सारे ओवरटोन्स होते हैं. तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, चेंज होगी. वेवलेंथ चेंज होने से किसी आदमी की जो साउंड होती है वो क्या होती है, उसे हम पहचान सकते हैं, वो स्पेसिफिक होती है. किसी पर्टिकुलर आदमी की साउंड जो है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है. उसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिना देखे हम बता सकते हैं कौन आदमी है. तो उसमें एक नहीं होती है, एक फ्रिक्वेंसी नहीं होती, बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज होती हैं, बहुत सारे ओवरटोन्स होते हैं. तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें तो केवल एक है, इसमें क्या बहुत सारे हैं. तो आंसर चॉइस क्या होगी, डी होगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ एयर. जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो बीटा अपॉन रो होती है,
in gas and water और इन सॉलिड के अंदर इसके बाद ये वी अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू डेंसिटी इन सॉलिड्स और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है 332 होती है, वाटर के अंदर 1500 होती है लगभग, और स्टील के अंदर लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होती है। ये हमें वैसे पता है, हम बल्क मॉडुलस बताते हैं, बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर ग्रेटर। जो डेंसिटी है, बल्क मॉडुलस है और डेंसिटी, दोनों जो है वाटर के वो एयर से ज्यादा है, गैस से ज्यादा है। बल्क मॉडुलस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर वो किसके डेंसिटी ऑफ एयर से ज्यादा, ये तो 1.293 होती है और ये 10^3 होती है, बहुत ज्यादा इससे। तो इससे हम क्या कौन विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल इस इंफॉर्मेशन से कि वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, बल्क मॉडुलस भी ज्यादा होता है, क्या हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं, हम इससे कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होगी वो पानी से ज्यादा होगी एयर के अंदर। वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट्स इट्स वैल्यू इन साउंड, साउंड इन वाटर से ज्यादा होगी, उसे कम होगी साउंड की वेलोसिटी इन एयर, या उसके इक्वल होगी, या हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है, यदि ये सपोज 3 times इंक्रीज हो रहा है, ये 2 times इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी पानी के अंदर, ज्यादा होगी पानी के अंदर। बी की वैल्यू 3 times ज्यादा है एयर से और इसकी 2 times ज्यादा है, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि उल्टा हो, इसकी जो है 2 times इंक्रीज हो रही है और ये 3 times इंक्रीज हो रहा है पानी का, तो पानी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी 3 times, ये भी 3 times, तो सेम रहेगी दोनों की जो वेलोसिटी हो क्या होगी, सेम रहेगी। यदि हमें ये नहीं बताया गया वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ये बता देता तो हम कंपैरिजन कर सकते थे, ठीक है। इसलिए हम कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे इस डाटा के बेस पे। हाँ, एक्चुअली में हमें पता है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है एयर के अंदर 332 होती है, पानी में उसके पानी के अंदर उससे ज़्यादा होती है, स्टील में उससे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न आप ये कह सकते हो बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो दो और डेंसिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं वाटर के अंदर भी और स्टील के अंदर भी, पर जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डेंसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्यूनिक फोर्क सेंड साउंड वेव्स इन एयर, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर विल चेंज। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, पी अपॉन रो इसके बराबर होती है, या गामा आर टी अपॉन एम के बराबर होती है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो हमारा आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी जे फंक्शन ऑफ सोर्स, सोर्स जहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पर चेंज कर सकते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स का फंक्शन होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो उल्टी है, एक ही बात है, तो वो तो सोर्स जहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन तेज कर दें ट्यूनिंग फोर्क के, तेज जहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी है। पर जो वेव वेलोसिटी है वो तो किसका, मीडियम का करेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ मीडियम। जो वेव वेलोसिटी है वो है फंक्शन ऑफ मीडियम। टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, और विंड की वेलोसिटी दे दें, विंड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में विंड जा रही है, तो वेव साउंड की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, वी प्लस वी एम बन जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वी माइनस वी एम बन जाएगी। यानी मीडियम का करेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम का टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगी, पर हाँ पर्टिकुलर मीडियम के लिए
साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आंसर चॉइस क्या होगी, सी होगी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं बी, व्हेन साउंड इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी बताया था फ्रिक्वेंसी जो है सोर्स का फंक्शन है, एक बार प्रोड्यूस होने के बाद वो किसी में से भी गुजरे, पतली रस्सी में से मोटी रस्सी में जाए, पानी से एयर से पानी में जाए, या ग्लास से लाइट वेव जाए, ग्लास से वाटर में जाए, या वाटर से ग्लास में जाए, फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। एक मीडियम से वेव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो वेव वेलोसिटी है एयर के अंदर तो 332, वाटर के अंदर 1500, वेव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेव वेलोसिटी साउंड जो है एयर से वाटर में जा रही है, साउंड की वेलोसिटी बढ़ गई है, वेवलेंथ ये सेम है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी सेम है, वी अपॉन लैम्डा, तो वेव वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे, यानी वेव नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, लैम्डा पे डिपेंड करता है, लैम्डा जो है वो चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये वेव नंबर क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेव नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और जो वेव वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, पानी एयर से पानी में जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, 332 से 1500 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन, जो साउंड की वेलोसिटी होती है इन वाटर और गैस यानी फ्लूइड्स के अंदर इसके बराबर होती है, और सॉलिड्स के अंदर जो होती है गामा अपॉन रो इन सॉलिड्स। तो बल ये तो क्या हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, और इनर्शिया की प्रॉपर्टी का मतलब मास, मास का मतलब डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दोनों पे डिपेंड करती है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी एज वेल एज इनर्शिया प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी कितनी है, इनर्शिया यानी डेंसिटी कितनी है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है साउंड की वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, टू साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स आर इक्वल, प्रेशर एम्पलीट्यूड उसको मान लेते हैं पी नोट है, दोनों के प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल है, सेम मीडियम के अंदर है, और सेम डायरेक्शन है, वेवलेंथ तो फर्स्ट की जो वेवलेंथ है वो दूसरे से डबल है, लेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज पावर अपॉन एरिया, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, उसका फार्मूला किसके बराबर होता है, 1/2 P0 का स्क्वायर अपॉन रो वी, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, और वेव वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम। जो वेव वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो मीडियम सेम है तो वेव वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों केस में, डेंसिटी जो है मीडियम पे, मीडियम का ही करेक्टरिस्टिक्स है, और पी नोट भी इक्वल दिया हुआ है, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो प्रेशर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करते, P1 जो है वो P2 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर है, आंसर चॉइस क्या होगी, A के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंटरफियर, कोई दो वेव्स हैं
जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम है और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इंटरफियर करके वो क्या करेगी, इंटरफियरेंस पैटर्न पर जरूर करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस के अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता ना कोई गेन होता, एनर्जी का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे एनर्जी जो है कलेक्ट होगी और जहाँ मिनिमम है वहाँ से एनर्जी चली गई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होगी है। तो जो एनर्जी है वो क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, फिर है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम के अनुसार चेंज होता है कि नहीं होता। सी और डी चॉइस में पूछा है कि यदि एक जगह पहले मैक्सिमम बना हुआ है टाइम के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा, जहाँ पे मैक्सिमम बना है वहाँ पे अब एनर्जी कम आएगी तो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम और मिनिमा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं, टाइम के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन में मैक्सिमम बना हुआ तो वहीं पे बना रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, टाइम के अनुसार वो वेरी नहीं करता, तभी पैटर्न जो है वो हम लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम बना है यहाँ पे मिनिमम बना, क्योंकि टाइम के अनुसार वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर चॉइस क्या होगी, डी होगी। ये ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ जिसकी लेंथ एल है और ये फंडामेंटल नोड्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, तो यानी ये यहाँ पे क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा, तो जो सिचुएशन वो ऐसी होगी। यहाँ पे क्या हुआ नोड बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट नोड है और ये प्रेशर एंटी नोड है, दोनों अपोजिट होते हैं, प्रेशर एंटी नोड है। यहाँ पे वेरिएशन इन प्रेशर चेंज इन प्रेशर वो क्या हुआ मैक्सिमम होगा, वो जो मेन लेवल है एटमोस्फेरिक प्रेशर है उससे ऊपर भी होगा उससे नीचे भी जाएगा। ठीक है, ये यदि प्रेशर की फॉर्म में कर रहे हैं तो एंटी नोड है, यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं ये क्या ये नोड्स है और ये क्या एंटी नोड है, ये एंटी नोड डी, ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। यदि इसी इक्वेशन को आप प्रेशर की फॉर्म में बनाएंगे तो ये उल्टी बनेगी, इक्वेशंस ऐसी बनेगी, यहाँ पे जो पार्टिकल प्रेशर है उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर जो है एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत कम हो रहा है, लेवल से जो मिनिमम लेवल है नॉर्मल लेवल से ऊपर जा रहा है उसे नीचे जा रहा है, वो मिडल वाले पॉइंट पे होगा। तो आंसर चॉइस क्या होगी, बी होगी, एट द मिडल ऑफ द पाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एन ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसके अंदर क्या होती है स्टेशनरी वे साउंड वेव्स है, लॉन्गिट्यूड गैस के अंदर या एयर के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो हमेशा क्या होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब ये ट्रैवलिंग वेव्स होंगी या स्टेशनरी वेव्स होंगी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एंटी नोड्स बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड्स बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट नोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोड्स बन रहा है वो किसके अंदर बनते हैं स्टेशनरी वेव्स के अंदर बनते हैं, जो स्टेशनरी वेव्स है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता वहीं की वहीं रहती है, तो ये कौन सी वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं है, प्रोग्रेसिव तो आगे एनर्जी जो आगे ट्रांसफर होता है, इसमें एनर्जी जो है वहीं पे फिक्स हो गई है। ठीक है, तो ये जो है स्टेशनरी वेव्स है, एंटी नोड नोड जो है किसमें बनते हैं स्टेशनरी वेव्स में बनते हैं, आंसर चॉइस क्या होगी ए होगी। ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स पे ओपन है, एज ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी न्यू, इसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है लेंथ किसके बराबर है लैम्डा बाई टू के बराबर है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी न्यू जो है वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा यहाँ से किसके बराबर होगा टू एल के बराबर होगा, तो वी अपॉन टू एल के बराबर है। अब क्या करते हैं
द ट्यूब इज डीप्ड वर्टिकली इन वाटर, इसको पानी के अंदर डुबो देते हैं. हाफ लेंथ जो है पानी के अंदर डुबो देते हैं. तो अब ओपन एंड तो एंटी नोड का काम करेगा और ये वाला जो है नोड का काम करेगा. सिचुएशन ये होगी, नोड और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई फोर. वो किसके बराबर, एल बाई टू. लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, फोर एल बाई टू, टू एल के बराबर होगा. अब जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो किसका, वी अपॉन लैम्डा, वी अपॉन टू एल. पहले भी कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था. तो न्यू डैश जो है न्यू के बराबर होगा. तो आंसर च्वाइस हमारी क्या होगी, सी होगी. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12, बीट्स जो है वो किस किन साउंड किन किन में बनती है. ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बनती हैं, ट्रांसवर्स वेव जो बनती हैं, जो बीट्स हैं वो दोनों बनती हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, यदि दो वेव्स हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हैं जो तब सुपरपोज होती हैं तो क्या बनाती हैं, बीट्स बनाती हैं. और वो दोनों में बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी और ट्रांसवर्स वेव्स में. जो साउंड वेव है कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. तो ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहले ही आ गया. तो ये दोनों में वहाँ ओनली वर्ड लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसवर्स में भी बनती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनती है. तो आंसर चॉइस क्या होगी, सी होगी. क्वेश्चन नंबर 30, एक ट्यूनिंग फोर को फ्रीक्वेंसी, कोई ट्यूनिंग फोर दिया हुआ है और एक सोनोमीटर वायर दी हुई है. जो ट्यूनिंग फोर का है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 512 है और जब इसको सोनोमीटर वायर के साथ वाइब्रेट करते हैं तो 6 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं पर सेकंड. तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो इसे 6 कम है या इसे 6 ज़्यादा है. यानी या तो 506 होगी या जो है 518 होगी, इन दो में से कोई एक होगी. उसके लिए कंडीशन और दी होगी, दी होती है हमेशा क्वेश्चन में, द बीट फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेस, कम हो जाती है इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. टेंशन फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/2 L T/μ. टेंशन को स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी. यानी 506 से इंक्रीज होगी तो 507 के आसपास हो जाएगी सोच, और ये 519 के आसपास हो जाएगी. अब दोबारा इसके साथ इसको वाइब्रेट करते हैं तो जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो डिक्रीज हो गई है, 5 हो गई है, कम हो गई है. तो इस वाले केस में 512 से इसको वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, 5 बीट सुनाई देंगी. और इसको करते हैं तो 7 बीट सुनाई देगी. इस वाले केस में तो क्या हो रही है, 7 बीट्स बढ़ रही हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है 7 है, 7 बीट सुनाई देगी. और इस वाले केस में 5 बीट सुनाई देगी. हमारी बीट्स तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज हो रही है तो कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा. यानी उसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी, 506 होगी. ठीक है, टेंशन बढ़ाने से पहले यानी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वो कितनी होगी, 506 होगी सोनोमीटर वायर्स की. क्वेश्चन नंबर 40, इंजन ऑफ ए ट्रेन साउंड्स ए व्हिसल एट ए फ्रिक्वेंसी न्यू, द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द पैसेंजर. डॉपलर इफेक्ट पे है, डॉपलर इफेक्ट जो है तभी काउंट होता है जब देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए. इंजन और पैसेंजर वो क्या है, सेमी ट्रेन के ऊपर है, एक ही ट्रेन के ऊपर है, तो देर इज नो रिलेटिव मोशन. उनके बीच उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है. डॉपलर इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो साउंड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, होगी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, वी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू न्यू. दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वही है जो इंजन की है, ये वी एस के बराबर है, तो ये ऊपर वाला ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर, न्यू के बराबर होगी.
यदि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। जब दो एक सोर्स और ऑब्जर्वर पास में आते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, दूर जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है घट जाती है। इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। 15 द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो किस करता है, वी मीडियम की छोड़ देते हैं माइनस वी ऑफ द ऑब्जर्वर, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, न्यू सोर्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, साउंड की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, सोर्स की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, सोर्स की पे भी, ऑब्जर्वर की भी, फ्रीक्वेंसी पे भी, सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर कहाँ पे हैं, ये इसको सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, दोनों की वेलोसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करती है, दोनों की वेलोसिटी में आई है, वेलोसिटी कितनी है साउंड की उस पर डिपेंड करती है, पर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करती है। हमने बताना था डज नॉट डिपेंड, ये आंसर जो है डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड, आंसर चॉइस क्या होगी, सी होगी, डी होगी, कि डज नॉट डिपेंड सेपरेशन से स्पीड पे भी डिपेंड करती है सोर्स की, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी का सोर्स पे भी डिपेंड करती है, पर दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड मूव्स इन ए सर्कल, सोर्स जो है सर्कल में मूव कर रहा है, कोई बंद सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा है व्हिसल बजाते हुए घूम रहा है सर्कल में, एंड ऑब्जर्वर इज सीटिंग एट ओ, डिस्टेंस नहीं दी हुई बीच में, जब वो ए पे है तो फ्रिक्वेंसी जो है न्यू वन है, बी पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर सुन रहा है बी पे है जब सोर्स तो न्यू टू है, और जब वो सी पे है तो न्यू वन है, तो हम मान लेते हैं कि ये पास में हो या दूर हो, पास में होगा तो पास में ऑब्जर्वर इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इधर होगी, यदि हम इसको मिलाएं कंपोनेंट्स को ये होगी, इस यहाँ पे है तो इसकी सोर्स की वेलोसिटी ये होगी, और जब यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है तो इसका इधर वाला सपोज ओमेगा आर है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ओमेगा आर कोस थीटा, और इसमें ओमेगा आर इधर है, इसमें ओमेगा आर इधर है, यदि हम इसको मिला दें और इसको मिला के आगे बढ़ाएं तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है, इस लाइन के लोग जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, ओमेगा आर, ये भी थीटा मान लेते हैं, ओमेगा आर कोस थीटा ये होगा, इसमें तो ये जो कंपोनेंट है सोर्स का वो किधर है, ऑब्जर्वर के पास में है, यदि हम बी की फ्रिक्वेंसी निकालें अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी वो किसके बराबर होगी, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा आर कोस थीटा, उसी की डायरेक्शन में है, सोर्स के पास में जा रहा, सोर्स से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सी ए पे निकालें फ्रिक्वेंसी जो ऑफ ए है बी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, सोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी प्लस ओमेगा आर कोस थीटा, और इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है, कोस 90 है वैसे, वी बी सी पे करेंगे तो वी अपॉन वी प्लस ओमेगा आर कोस 90, इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन के लोग लेंगे तो कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, कोस 90 जीरो होता है इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये तो न्यू के बराबर ही हो जाएगा, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसी के बराबर हो जाएगा, इस वाले केस में नीचे की वैल्यू कम होगी तो बढ़ जाएगी सबसे, और इसमें बढ़ गई है नीचे वाली ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सबसे कम तो वी ए होगा, यानी जो वी वन है न्यू वन है वो सबसे कम होगा, न्यू टू जो है मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो चॉइस ही चेक कर लेते हैं, जो सबसे मैक्सिमम है वो न्यू टू है, बीच में जो है न्यू थ्री है, ये न्यू थ्री है, और सबसे कम जो है न्यू वन है, आंसर चॉइस क्या होगी, सी होगी, यदि थीटा लार्ज हो, यदि ओ जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है तो
तो कोस थीटा जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, कोस थीटा को हम क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। यदि पास में तो वन नहीं लिया जा सकता, तो काफ़ी दूरी पे है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो मैंने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे इस पर तो वहाँ पे इसका यूज होगा। यदि पास में तो आपने थीटा तो लेना ही पड़ेगा, और यदि दूर है तो आप कोस थीटा को वन ले सकते हैं।